नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साप्ताहिक पॉडकास्ट। आज का हमारा विषय है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विषय पर आधारित हमारा यह पॉडकास्ट। उन्नीस फरवरी 2015 वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता किसान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की घोषणा की थी। इस योजना को देश में मृदा स्वास्थ्य में सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। यह योजना किसानों के लिए लाभकारी तो है ही, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर भी प्रदान करती है। तो पहले हम आपको योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे इसके माध्यम से रोजगार सृजन होता है। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी कृषि ही है। इसलिए किसानों की सहायता के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बेहद आवश्यक है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। इस योजना के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति का ब्यौरा दिया जाता है। योजना का लक्ष्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, खेती की लागत कम करना और फसलों की उपज में वृद्धि कर आत्मनिर्भर कृषि का लक्ष्य प्राप्त करना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से दिए गए सुझावों के कारण रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10% तक की कमी आई है, साथ ही उपज में 5-6% तक की वृद्धि हुई है। योजना के तहत मृदा की स्थिति का राज्य सरकारों द्वारा हर 2 साल में नियमित रूप से आकलन किया जाता है, ताकि पोषक तत्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सके। मिट्टी की जांच से किसानों को सिर्फ उनके खेत की उर्वरता का ही पता नहीं चलता, बल्कि इससे किसान यह भी जान सकते हैं कि मिट्टी को किस फसल के लिए कितने पोषण की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें खेत में कितनी खाद का प्रयोग करना है, इस विषय में भी जानकारी मिल जाती है। इसके जरिए एक तरफ जहां किसानों के खेत स्वस्थ रहते हैं, वहीं नियंत्रित खाद के प्रयोग से फसल की लागत में भी बचत होती है। किसानों को इस योजना का बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस योजना की सबसे दिलचस्प बात। यह योजना जहां एक ओर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं ग्रामीण युवाओं के लिए यह रोजगार का माध्यम भी बनी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं खेत की मिट्टी के सैंपल का परीक्षण कर सकते हैं। प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जिसका 75% केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिए भी यही प्रावधान है। इस प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से एक ओर जहां किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है, वहीं युवाओं को भी रोजगार का एक आसान अवसर प्रदान हो रहा है। यानी स्वस्थ धरा खेत हरा और बदलते कृषि क्षेत्र से रोजगार का भी अवसर बढ़ा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए दिन पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।